नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भागलपुर के लाजपत पार्क में गरीब कल्याण जनसभा को भाजपा नेताओं ने किया संबोधित। कहा 8 वर्षों में पीएम मोदी ने अभूतपूर्व ऊंचाइयां हासिल की। मोहम्मद साहब पर दिए गए विवादित बयान को लेकर सीएम नीतीश ने की घटना की निंदा। अधिकारियों को अलर्ट रहने का दिया निर्देश। सुल्तानगंज स्टेशन पर इंटरसिटी एक्सप्रेस के ब्रेक वेटिंग में लगी अचानक आग, यात्रियों में मची अफरा तफरी। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला को लेकर सुल्तानगंज में चला अतिक्रमण हटाओ अभियान। अवैध निर्माण को कराया गया ध्वस्त। और घर से फरार प्रेमी जोड़े ने रचाई शादी, परिजनों पर लगाया हत्या करने की धमकी देने का आरोप। अब खबरें विस्तार से। केंद्र की मोदी सरकार के कार्यकाल के सफलतापूर्वक 8 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सोमवार भागलपुर के लाजपत पार्क में सेवा सुशासन एवं गरीब कल्याण सभा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, बिहार सरकार के उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन, पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी, प्रदेश उपाध्यक्ष पिंकी कुशवाहा, जिलाध्यक्ष रोहित पांडे, बिपुर विधायक कुमार शैलेंद्र, पिरपैती विधायक ललन पासवान, कहलगांव विधायक पवन यादव, भाजपा नेता अजीत शाश्वत चौबे, प्रीति शेखर समेत कई भाजपा नेता और पूर्व मंत्री ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए मुख्य वक्ता केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि कई ऐसे कार्य थे जो देश की जरूरत थी, लेकिन पिछली सरकारों ने उस ओर कभी ध्यान नहीं दिया जो काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल में पूरा हुआ। उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा किए तमाम विकास कार्यों की चर्चा करते हुए कहा कि आगे भी जनता के सहयोग से देश को प्रगति और विकास के मार्ग पर आगे ले जाया जाएगा, जबकि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत फिर से विश्व गुरु बनने के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. संजय जायसवाल ने कहा कि 2005 से पहले बिहार में आतंक का राज था और 2014 से पहले इस देश में भ्रष्ट कांग्रेस की लूट तंत्र चल रही थी, जबकि 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार बनने के बाद गरीबों के हित में काम होना शुरू हुआ और आज गरीब के घर में वह सारी सुविधा हो रही है जिसकी वर्षों से आवश्यकता थी। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सह बिहार सरकार के उद्योग मंत्री सैयद शहनवाज हुसैन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र के साथ राज्यों में भी विकास कार्य तेजी से चल रहा है, जबकि भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसी जा रही है। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष रोहित पांडे ने की, जबकि संचालन जिला महामंत्री अभिनव कुमार और धन्यवाद ज्ञापन संतोष कुमार ने किया। मौके पर विधायक राम नारायण मंडल, निक्की हेम्ब्रम, विधान पार्षद डॉक्टर एन के यादव, जिला परिषद अध्यक्ष टुनटुन साह, बांका जिला अध्यक्ष विकास सिंह नवछिया, जिला अध्यक्ष विनोद मंडल समेत काफी संख्या में भागलपुर समेत कई जिलों से आए भाजपा नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इतने लंबे क्षेत्र के एक सांसद, राज्यसभा ही भले, लेकिन राज्यसभा के सांसद के रूप में शंभु शरण पटेल जी को चुना है, सुबोध राय जी और मगनी लाल मंडल जी का बरसों बरसों बिहार की राजनीति से जहां पहुंच हो गए, उस बरसों बरसों के बाद एक गरीब के बेटा अति पिछड़ा को भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा के रूप में भेजा। प्रदेश अध्यक्ष जी का और उनकी पूरी टीम को जिन्होंने यहां से अपना सुझाव भेजा था, जिस पर मोहर लगाई, अच्छा नती भी केंद्रीय नेतृत्व में। 5000 स्वतंत्रता सेनानी उसमें शेयर धारक थे और उन 5000 स्वतंत्रता सेनानियों के शेयर को अलग करके सिर्फ महज 9 करोड़ रुपए में 2000 करोड़ की संपत्ति को कांग्रेस के नाम पे, अपने नाम पे लूटने का अगर काम कीजिएगा तो ईडी भी पूछेगी और जेल भी जाइएगा। यह महागठबंधन की पहचान है। लालू जी भी जब जेल जा रहे थे तो हाथी पे जा गए थे और बाद में कोर्ट ने सजा किया। आज वह 3 सजा याफ्ता केस में मुजरिम है। यह भी व्यक्ति जिस तरह से घोटाला करके यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी बना के और 5000 स्वतंत्रता सेनानियों का हिस्सा मारने का काम किया, लेकिन वह बेचारा भूल गया कि उस 5000 स्वतंत्रता सेनानियों में एक जस्टिस मार्कंडे काटजू के भी पिताजी हैं, दूसरा शांति भूषण के पिताजी प्रशांत भूषण के दादाजी हैं और इन लोगों ने मिलकर जो घोटाला इनका खोला है उसके कारण राहुल जी सोनिया जी भी जेल जाएंगे। भ्रष्टाचार में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है।
जैसा कर्म कीजिएगा वैसा फल मिलेगा। और नेशनल हेराल्ड स्कैम में अगर केस हुआ है उसमें पूछताछ क्यों नहीं होगी? ये तो इसको इवेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी। ये कोई बहुत बड़ा इवेंट जो बनाया, इससे उनको लाभ नहीं होगा। जो भ्रष्टाचार करेगा, चाहे कितना बड़ा व्यक्ति हो, उस पर कार्रवाई ईडी करती है। इंडिपेंडेंट इकाई है ईडी। और जिस तरह का व्यवहार कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, जैसे लग रहा है आज़ादी का आंदोलन कर रहे हैं। बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा द्वारा मोहम्मद साहब पर दिए गए विवादित बयान को लेकर देश भर में कई जगहों पर हिंसक झड़प देखने को मिल रही है, जिसमें प्रदर्शन कर रहे मुस्लिम संगठन की ओर से लगातार नुपुर शर्मा पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। वहीं इसको लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने उन पर कार्रवाई की और यहाँ तक कि नुपुर शर्मा पर FIR भी दर्ज किया जा चुका है, जबकि प्रशासन अपने स्तर से कार्य कर रही है। सीएम ने कहा कि देश में कुछ जगहों पर झड़प हुई है और इसको देखते हुए बिहार में भी रिव्यू मीटिंग कर आला अधिकारियों को सावधान रहने का निर्देश भी दिया गया है। इसके अलावा झारखंड के रांची में बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन पर हुए हमले को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस घटना की निंदा करते हुए कहा कि झारखंड सरकार से उन्होंने बात की है और नितिन नवीन मंत्रिमंडल में उनके सहयोगी और युवा मंत्री होने के साथ काफी योग्य भी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके साथ जो भी घटना घटी वह ठीक नहीं है और झारखंड सरकार से बिहार सरकार के अधिकारी लगातार संपर्क में हैं, जबकि इस मामले में एक व्यक्ति की गिरफ्तारी भी हुई है। हालांकि 18 जुलाई को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव उम्मीदवार को लेकर सवाल करने पर सीएम नीतीश कुमार ने पत्रकारों के समक्ष इस सवाल को सीधे नकारते हुए कहा कि ऐसी कोई बात नहीं और राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार नहीं है। और अपने बिहार में चूंकि एक ही दिन 10-11 जगह कई जगह पर लोग कुछ जुलूस निकाला, क्या निकाला, वैसे ही सामने जैसे ही जानकारी हुई और हम रिव्यू कर रहे थे दूसरे मामलों का, और उसी दिन शाम में जब पता चला तो फिर हमने फिर अधिकारियों को बुलाया। यहीं पर हैं सब, चीफ सेक्रेटरी हैं आपके, DGP, सब लोगों को बुलाया और कहा कि तत्काल देख लीजिए कि कहीं कुछ नहीं हो। तो खैर बिहार में तो वो सब स्थिति ठीक है, नॉर्मल है, तो इसलिए इन सब चीज़ों को ज़्यादा बहुत ज़्यादा प्रभावित करना ठीक नहीं। कितना भी करते रहिए तब भी कुछ ना कुछ तो झगड़ा करवे करेगा आपस में बिना मतलब का, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हो ही कुछ। और यहाँ पर तो आप देख रहे हैं कि कैसा माहौल है, ऐसा तो कोई माहौल नहीं है यहाँ, किसी तरह के विवाद का कोई माहौल नहीं है। और यहाँ के लोग भी, और दूसरी बात है यहाँ का प्रशासन, पुलिस, सब इन सब बातों को लेकर के सक्रिय रहता है। भागलपुर सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन में बांका इंटरसिटी एक्सप्रेस अप में ब्रेक वेंडिंग के समय अचानक आग लग जाने से धुआं निकलने लगा, जिससे ट्रेन में अफरा तफरी मच गई। वह स्टेशन परिसर में आग लगने की खबर फैलते स्टेशन मास्टर दीपक कुमार के साथ RPF और GRP के जवान अग्नि यंत्र लेकर मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया। स्टेशन मास्टर दीपक कुमार ने बताया कि बांका इंटरसिटी एक्सप्रेस अप में ब्रेक वेंडिंग के समय आग लग गई थी, लेकिन उस पर रेल प्रशासन, GRPF और RPF की सक्रियता से आग पर काबू पा लिया गया। सूचना मिली कि उसमें ब्रेक बेंडिंग, अकबर नगर के स्टेशन मास्टर द्वारा सूचना दिया गया। रास्ते के सभी गेट में, जितने भी गेट रास्ते में पड़ते सभी गेट में द्वारा सूचना दिया गया कि ब्रेक बेंडिंग है। तो जैसे ही गाड़ी प्लेटफॉर्म पर घुसी, हम लोग अग्निशामक यंत्र लेकर के तैयार थे और उस पर अग्निशामक यंत्र द्वारा बुझाया गया, जिसमें कि स्टेशन मैनेजर, पोर्टर, गार्ड, ड्राइवर, RPF, GRP, IOW स्टाफ, PW स्टाफ सभी तैनात थे और गाड़ी को लगभग ब्रेक बेंडिंग बुझाने में 37 मिनट लगा और 37 मिनट के बाद गाड़ी को चलाया। सुल्तानगंज में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला की तैयारी को लेकर नगर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में दिख रही है। इसको लेकर नगर परिषद क्षेत्र में जिला प्रशासन के आदेश अनुसार कार्यपालक पदाधिकारी अभिनव कुमार के नेतृत्व में शहर में लगातार अतिक्रमण मुक्त अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान अतिक्रमण किए हुए जगहों पर प्रशासन का बुलडोजर चला और सभी सामानों को अपने कब्जे में लेकर प्रशासन ने जब्त कर लिया। वहीं प्रशासनिक पदाधिकारियों ने अतिक्रमण करने वाले सभी दुकानदारों को अविलंब अपना सामान हटाने
की सख्त हिदायत दी। बता दें कि अतिक्रमण हटाओ अभियान सुल्तानगंज थाना रोड से होकर मुख्य चौक बाजार और रेलवे स्टेशन तक चलाया गया। मौके पर अंचलाधिकारी शंभु शरण राय, थानाध्यक्ष लाल बहादुर समेत नगर परिषद के कई अधिकारी कर्मी और पुलिस के जवान मौजूद थे। सुल्तानगंज प्रखंड के बाद थाना क्षेत्र अंतर्गत करहरिया गांव में एक प्रेमी जोड़े ने घर से भागकर शादी कर ली, जिसके बाद प्रेमी युगल ने लड़की पक्ष के लोगों पर उनकी हत्या करने की धमकी देने का आरोप लगाया है। मामले में प्रेमिका जूली कुमारी ने वीडियो वायरल कर अपनी मर्जी से गांव के ही शंकर ठाकुर के पुत्र रोहित कुमार ठाकुर से शादी करने की बात कही है। साथ ही जूली कुमारी ने वायरल वीडियो में कहा कि उसकी माता किरण देवी और पिता रंजीत ठाकुर उसकी शादी का विरोध कर रहे हैं और उसके पति रोहित कुमार ठाकुर के खिलाफ किरण देवी ने बात थाने में शादी की नीयत से अपहरण करने का मामला दर्ज कराया है। वहीं नवविवाहिता जूली कुमारी का कहना है कि उसने अपनी मर्जी से शादी की है, जबकि उसके चाचा संजय ठाकुर और चचेरे भाई पीयूष कुमार ठाकुर ने उन दोनों को घर में घुसकर मारपीट करने और जान से मारने की धमकी भी दी है। साथ ही जूली ने कहा कि उसके मायके पक्ष की ओर से ससुराल पक्ष वालों को बेटी की सकुशल घर वापसी नहीं होने पर उसकी ननद को घर से उठाकर ले जाने की भी धमकी दी गई है, जिससे पूरा परिवार डर के माहौल में जीने को विवश है। जिसके बाद पीड़ित पक्ष ने बात थाना अध्यक्ष मनीष कुमार से परिवार वालों की सुरक्षा और न्याय की गुहार लगाई है। हम अपने मर्जी से आए हैं, इनमें नहीं लड़का का गलती है और ना ही लड़का के माता पिता और भाई का भी गलती है। हम पढ़ने के लिए चाहते थे, लेकिन मेरे माँ मेरी शादी करवाना चाहता था और मैं पढ़ना चाहता था। रात में जब हम घर में वो तो मेरा माँ और बड़े पापा हमको ज़बरदस्ती शादी करने के लिए बोल रहा था कि अगर तुम शादी दूसरे लड़का से नहीं करोगी तो तुमको हम दोनों मार के फेंक देंगे। इसलिए हम अब तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फॉरन लौटेंगे, देखते रहिए सिल्क टीवी। आपके नजदीकी शहर बौंसी बिहार में एकमात्र फार्मेसी कॉलेज मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, जिसमें आपको मिलेगी स्मार्ट क्लास, स्मार्ट लैब और लाइब्रेरी जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं। अब आप भी डी फार्मा और बी फार्मा जैसे फार्मेसी कोर्स कर एक निश्चित सरकारी या गैर सरकारी संस्था में जॉब पा सकते हैं, साथ ही अपना खुद का मेडिकल स्टोर भी खोल सकते हैं। इतना ही नहीं, बिहार झारखंड एवं केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्ति का लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। आइए अपने बच्चों को इंटर के बाद फार्मेसी कोर्स करवाकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनका स्वर्णिम भविष्य बनाइए। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भागलपुर तिलकामांझी थाना क्षेत्र अंतर्गत RBSS रोड स्थित आयकर विभाग कार्यालय में बिजली के शॉर्ट सर्किट से एसी में आग लग गई, जिसके बाद कार्यालय समेत आसपास में अफरा तफरी मच गई। वहीं स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना तुरंत अग्निशमन सेवा दल को दी, जिसके बाद दो दमकल वाहन वहां पहुंचे और आग पर काबू पाया। इधर इस आगजनी की घटना को लेकर बिल्डिंग में स्थित शिक्षण संस्थान के निदेशक ने बताया कि आग लगने की घटना में किसी प्रकार की क्षति नहीं हुई है और समय रहते ही अग्निशमन सेवा बल की मदद से आग पर काबू पा लिया गया, जिससे बड़ी घटना होने से टल गई। किट के वजह से जो है एसी के आउटर में आग लग गया, उसी के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। अब ये पूरी तरह ठीक हो गया है। कुछ क्षति भी हुई है? नहीं, अभी कुछ। बिहार में शराब बंदी के बावजूद बेखौफ तस्करों द्वारा वैध रूप से शराब कारोबार धड़ल्ले से जारी है। दरअसल भागलपुर के बाईपास TOP थाना अध्यक्ष ओम प्रकाश के नेतृत्व में पुलिस ने छापेमारी करते हुए रविवार की देर शाम एक ऑटो से 116 बोतल विदेशी शराब बरामद किया है, जबकि तस्कर और लाइनर मौके से पुलिस को चकमा देकर फरार होने में सफल रहा। बताया जा रहा है कि जब्त शराब की खेप झारखंड से तस्करी कर ऑटो से लाई जा रही थी, जिसे गुप्त सूचना के आधार पर बाईपास TOP पुलिस ने बाईपास से ही पेशा करते हुए मधुसूदनपुर इलाके के रामपुर गांव स्थित एक बगीचा से जब्त कर लिया। पुलिस ने बताया कि जांच के दौरान ऑटो से विदेशी ब्रांड के 116 बोतल में करीब 50 लीटर विदेशी शराब को जब्त किया गया है। वहीं इसको लेकर DSP लॉ एंड ऑर्डर डॉक्टर गौरव कुमार ने बताया कि तस्कर और लाइनर की पहचान कर ली गई है और जल्द ही सभी आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। आज दिनांक 12/6/22 को एक गुप्त सूचना मिला कि एक बिना नंबर प्लेट के टेम्पो पे आज झारखंड से इंग्लिश लिकर जो है वो सप्लाई करने जा रहे थे शहरी क्षेत्र में भागलपुर के, और इस गुप्त सूचना को सत्यापन किया गया और TOP बाईपास SHO को त्वरित टीम में शामिल किया गया, उनसे सत्यापन किया गया और हमारी टीम ने
इस टेम्पो का पीछा किया और ये जो है ट्यूबी बाईपास के साइड से टेम्पो लाने वाला था, लेकिन उन्होंने जैसे ही पता चला कि पुलिस जो है उस टेम्पो के पीछे है, उन्होंने कजरैली का रास्ता अपनाया फुलवैया से और वहाँ पर वो कजरैली के थ्रू जो है NH-80 पकड़ के, ये रामपुर गांव है वहाँ पे पुलिस ने इसको एक बगीचे में दो लोग भागने में कामयाब रहे, एक लाइनर भी था उसमें, हम लोगों ने चिन्हित कर लिया है उसको और शीघ्र अतिशीघ्र जो है उनकी गिरफ्तारी होगी। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले की तैयारी को लेकर भागलपुर सुल्तानगंज थाना परिसर में थानाध्यक्ष लाल बहादुर की अध्यक्षता में आज कैवीनाथ गंगा घाट के दुकानदारों एवं पंडा पुरोहितों के साथ बैठक आयोजित हुई। बैठक में श्रावणी मेला को सफल बनाने के लिए विभिन्न बिंदुओं पर विचार विमर्श किया गया। वहीं थानाध्यक्ष लाल बहादुर ने पंडा एवं दुकानदारों को समय पर पहचान पत्र बनाने का निर्देश दिया, जिससे किसी तरह की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़े। इस दौरान जन संसद के संरक्षक सह विकास परिषद के अध्यक्ष अजित कुमार ने गंगा घाट में चोरी की घटना पर नकेल कसने की बात पर जोर दिया और कहा कि पुलिस को ऐसे लोगों पर कड़ी नजर रखने की जरूरत है, जिससे देश विदेश से आने वाले कांवरियों को परेशानी से बचाया जा सके। वहीं थानाध्यक्ष लाल बहादुर ने गंगा घाटों में 4 टावर लगाकर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने की बात कही। साथ ही कहा कि सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए CCTV कैमरा और गंगा में नाव की भी पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी, जबकि किसी भी तरह से गड़बड़ी करने वालों को तुरंत पकड़ा जाएगा। मौके पर विकास कुमार कर्ण, रंजीत कुमार सहित गंगा घाट के कई दुकानदार एवं पंडा मौजूद थे। जो मेला में चोरियाँ होती है या लोग आते हैं उनकी सुविधा के लिए, या जो दुकानदार है, जो पंडा है, जो नाई है, उसको आई कार्ड दिया जाएगा, जिससे बाहरी अवांछित तत्व जो है उस भीड़ में शामिल होकर गड़बड़ी नहीं करे। और सर ये पार्किंग के लिए, सर पार्किंग के लिए अभी चल रही है, पार्किंग के लिए जो चिन्हित जगह है वहाँ उसमें काम चल रहा है। शहर में सर कितने कैमरे लगाए जाएंगे इस बार? इस बार कैमरा करीब 250 कैमरा, हर चप्पे पे कैमरा रहेगा। भागलपुर के सुल्तानगंज बाग थाना क्षेत्र अंतर्गत नया गांव नफटोलिया के समीप असरगंज शाहकुंड मार्ग पर ऑटो और मोटरसाइकिल के बीच भीषण टक्कर हो गई, जिसमें बाइक सवार 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। वहीं ग्रामीणों की मदद से घायल मोटरसाइकिल सवार को रेफर अस्पताल में ले जाया गया, जहां गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए मायगंज अस्पताल रेफर कर दिया। हालांकि एक बाइक चालक पांकर अजोन के जगन्नाथपुर निवासी रितेश लाल ठाकुर की मौत हो गई, जबकि घायल मुन्ना कुमार और दिलीप कुमार की हालत गंभीर है। वहीं सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंची बाद थाना पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर इसकी जानकारी मृतक के परिजनों को दी। बताया जा रहा है कि वह शादी का निमंत्रण कार्ड बांटने जगन्नाथपुर से शाहपुर मार्ग से असरगंज की ओर जा रहा था, तभी बाद थाना क्षेत्र के नया गांव के नफटोलिया के पास ऑटो और मोटरसाइकिल के बीच टक्कर हो गई। इधर तारापुर, इधर मतलब कि कोनो को इनका जो है ना, जिनका कि शादी था उनका फुआ का बेटी वहाँ रहता था, तो उन्हीं के पास जा रहा था, वहीं पर जा रहे थे कार्ड देने के लिए। तो इसी बीच में तो इधर से हमको लगता है कि सात बजे निकले, तो मेरा जो कोर कुटुम इधर भी रहता है ना भागलपुर साइड इधर, तो उधर से ही आने में जो ये सुविधा मतलब कि हुआ को साकुंड से ही असरगंज डायरेक्ट निकल जाएंगे, उसको उधर से घूम जाएंगे। और अंत में चलते चलते फिर से एक नज़र आज की हेडलाइंस पर। भागलपुर के लाजपत पार्क में गरीब कल्याण जनसभा को भाजपा नेताओं ने किया संबोधित, कहा 8 वर्षों में पीएम मोदी ने अभूतपूर्व ऊंचाइयां हासिल की। मोहम्मद साहब पर दिए गए विवादित बयान को लेकर सीएम नीतीश ने की घटना की निंदा, अधिकारियों को अलर्ट रहने का दिया निर्देश। सुल्तानगंज स्टेशन पर इंटरसिटी एक्सप्रेस के ब्रेक वेटिंग में लगी अचानक आग, यात्रियों में मची अफरा तफरी। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला को लेकर सुल्तानगंज में चला अतिक्रमण हटाओ अभियान, अवैध निर्माण को कराया गया ध्वस्त। और घर से फरार प्रेमी जोड़े ने रचाई शादी, परिजनों पर लगाया हत्या करने की धमकी देने का आरोप। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।